एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टीग्रेन ब्रेड से ब्रोकली सैंडविच। और आप देख रहे हैं हम जो वेजिटेबल्स यूज करेंगे, हम ऑनियन यूज करेंगे, ये अपना टोमेटो है, ब्रोकली है। ब्रोकली को ना हमने छोटे छोटे पीस करके ना इसको ब्लांच कर लिया है पानी में, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। चीज स्लाइस है और ये ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, हमने ये मल्टीग्रेन की है। देखिए तो हेल्दी सैंडविच हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के दो स्लाइस उठाएंगे। ये देखिए देसी घी हम यूज करने वाले हैं, आप बटर भी लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। इसके ऊपर ना हम अच्छे से ऐसे चम्मच को थोड़ा सा टेढ़ा करके ना, ऐसे चम्मच से अगर आप लगा रहे हैं घी तो वो इवनली स्प्रेड होगा। आप ऐसे थोड़ा सा चम्मच को ऐसे टेढ़ा करके लगाएं और हम दोनों तरफ से अच्छे से लगाएंगे। किनारे है ना, कॉर्नर, इन पर भी लगाइए तभी वो अच्छे से सिकेगा। अब इसको हाथ में ऐसे पकड़ के ना इधर भी लगाएंगे। दोनों ब्रेड पर घी लग गया है। अब हम इसमें ना थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रहे हैं सब्जियों पर। अब ब्रेड का एक पीस लेंगे, इस पर हम अनियन स्लाइस रखेंगे। घी वाली साइड पर नहीं रखना है हमें, घी वाली साइड हमें बाहर की तरफ रखनी है, ठीक है ना। तो आप जरूर ये सैंडविच ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज स्लाइस। अब हमें ब्रोकली को सेट करना है। तो ब्लांच की हुई है और इस तरह से ना सब बच्चे खा लेते हैं, और जो भी आप बनाना चाहें ये बेस्ट सैंडविच है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो ढेर सारी हम ब्रोकली इसमें सेट करने वाले हैं। देखिए इस तरह से रखने से ना ज्यादा अब ब्रोकली आ जाती है। अब हमें बीच में से इसे फिल कर देंगे, ये साइडों में फ्लावर की तरह बॉर्डर बना के और फिर बीच में फिल कर दो। तो इस ये तरीके से काफी सारी ब्रोकली इसमें रखी जा सकती है। अब हम लगाएंगे टोमेटो स्लाइस। नमक के अलावा ना हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और कवर करेंगे ब्रेड से। ये हमने गरम होना रख दिया था टोस्टर। अब हमें कैसे ब्रेड को सेट करना है वो देखिए। ऐसे रखेंगे हम पहले बिल्कुल उधर किनारे पे और इसको हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे, बस। ये देखिए आप, यहां से मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, तो कितना सुंदर ये सैंडविच देखने में लग रहा है। और खाने में तो मैं आपको बता रही हूं ना, बहुत ही बढ़िया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा सैंडविच बनाएंगे। और जो प्लेसमेंट है ना वेजिटेबल्स की, जिस तरह से हम कर रहे हैं, आप उसी तरह से कीजिएगा। क्योंकि क्या है, इस तरह से ब्रोकली में चीज चला जाता है और ऊपर टमाटर रखने से ये जूसी हो जाती है थोड़ी, तो वो सूखा सूखा टेस्ट नहीं आएगा। तो चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए कितनी बढ़िया सी लाइन आई है। इसको थोड़ा सा, ये देखिए मैं चाकू से करके बताती हूँ कितना क्रिस्पी है। तो ये बहुत अच्छा बनने वाला है। वापस हम इसको बंद करेंगे और थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए हल्का सा इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे तो ये थोड़ा दबा हो जाएगा और अच्छे से ब्रोकली इसमें सेट हो जाएगी, चीज मेल्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा सैंडविच भी तैयार है। हम पहला चेक कर लेते हैं और ये देखिए, वाओ, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है, रेडी है। जितना क्रिस्पी आप खाना चाहें उतना आप इसको रख सकते हैं। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है और ये देखिए फुल ऑफ वेजिटेबल्स और चीज जो है वो मेल्ट हो गया है। आप देखिए पास से, बहुत यमी लगने वाला है। और ये मेरा बोरोसिल वाला टोस्टर है और बहुत अच्छे इसमें सैंडविच बनते हैं। मैंने इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाई हुई है, रिव्यू दिखाया है। ये देखिए दूसरा भी अच्छे से बन गया। पहले सैंडविच में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरा थोड़ा फास्ट बन जाता है। तो ये देखिए हमारे यमी से सैंडविच बनकर तैयार हैं। कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। आप सॉस के साथ इनको ट्राई कीजिएगा, ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर आप डिनर में लीजिए। वेट लॉस पर है तो भी ये सैंडविच चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।